दिवाली का त्यौहार देश में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। भारत में सबसे बड़े त्यौहार के तौर पर दिवाली को जाना जाता है। इस दौरान लोग एक दूसरे से खुशियां बांटते हैं। दिवाली के मौके पर बाजार से लोग मिठाई भी खरीदते हैं। हालांकि कई बार दुकानदार दिवाली के मौके पर नकली मिठाई भी बेचते हैं। ऐसे में लोगों को इससे बचकर रहना होगा और सरकार भी नकली मिठाई को लेकर कदम उठा रही है। दिवाली के त्योहार के दौरान मिठाइयों में मिलावट की जांच करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने देश भर में अपने 4000 राज्य स्तरीय अधिकारियों को मिठाई खुदरा विक्रेताओं और बनाने वालों की निगरानी तेज करने का निर्देश दिया है। भारत में सबसे अधिक मिलावट दूध में की जाती है और अधिकतर मिठाइयां दूध के उत्पादों से ही बनाई जाती हैं। आमतौर पर दिवाली के त्योहार पर मिठाइयों की खपत बढ़ जाती है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपने अधिकारियों को मिठाइयों में मिलावट की जांच के लिए निगरानी तेज करने का निर्देश दिया है। राज्य के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को दुकानों का निरीक्षण करने और गुणवत्ता की जांच करने के लिए नमूने एकत्र करने के लिए कहा गया है। उनसे गुणवत्ता मापदंडों में अनुपालन ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा गया है। इस बीच FSSAI ने इस साल निगरानी नमूनों की संख्या बढ़ाकर 1,00,000 कर दी है और अगले साल यह बढ़कर 7,00,000 हो जाएगी। दूध और दूध से बने उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और भारतीय गुणवत्ता परिषद के जरिए संयुक्त रूप से एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण किया जा रहा है।